आर्मी चीफ अमरीका के दौरे पर हैं है मुलाकातें उनकी जारी पाकिस्तान के साथ भी मिले और थिंक के साथ भी एक अहम स्टेटमेंट दी उन्होंने कि पाकिस्तान ब्लॉक पॉलिटिक्स पर यकीन नहीं रखता इससे तायुन हो गया हमारा हम ये कहा जाए कि हम किसी का हिस्सा इसकी नफी हुई इसके क्या स्टेटमेंट की क्या तश्री होगी देखें जब में, हाँ जी। तो दो वजूद रखते थे ना सोवियत ठीक फिर चीन भी उस ब्लॉक में शामिल हो गए फिर चीन उस ब्लॉक से अलग हुआ और चीन और अमेरिका का मुसाफा हो गया तो अब ये उस ज़माने में हम अमेरिका के इतहादी थे ठीक और अब सीटों के मेंबर थे सेंटों के मेंबर थे और एक तवील तारीख है अमेरिका से हमारे ताल्लुक़ की और अमेरिका ने हमारी इकॉनमी में हमारे डिफेंस में बहुत कंट्रीब्यूट किया और अगर मैं आपसे ये गर्व करूं कि पाकिस्तान के अलावा जितने दूसरी जंग अजीम के बाद जितने भी अमेरिका के इतहादी रहे हैं वो सब डेवलप कर गए सिवाय हमारे सिवाए हमारे सिवाय आप जर्मनी को देख रहे हैं आप वेस्टर्न यूरोप के दूसरे मुल्कों को देखें साउथ कोरिया देख लें आप साउथ कोरिया को देखें ताइवान को देखें खुद जापान को देखें साउथ कोरिया और ना। अब, अभी आप अब वियतनाम को देखें साउथ वियतनाम वियतनाम बिल्कुल कोरिया को देखें साउथ कोरिया पाकिस्तान जो है वो एक उड़ान भरी उसने आगे बढ़ा और फिर वो पीछे हट गया दायरों के सफर में और फिर वो मुबतला हुआ और ये तो एक अलमिया फिर अमेरिका के साथ फिर उसके बाद 1965 की जंग एक उन्नीस सौ पैंसठ आते रहे और उसके बाद फिर जंगों में भी हम जब जाते रहे और सोवियत कब्जा हुआ अफगानिस्तान में फिर हमारा इतिहाद शुरू हुआ फिर चाइना और अमेरिका और हम एक ही ब्लॉक में थे उस वक्त सोवियत यूनियन के खिलाफ वो जो जहाज था उसके बाद फिर जब तालिबान आए उसामा बिन लादत के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई उस वक्त फिर परवेज मुशरफ की हुकूमत फिर हमारा अमेरिका से एक अलायस हुआ तो एक ये तारीख जो है अब वो अब वो ब्लॉक उस तरह से खत्म हो चुके अब वो कम्युनिस्टों की तो फिर ये तो और, बड़ी मुफीद स्टेटमेंट और जो बात तो? वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है नहीं। कि हम आंखें बंद करके किसी एक मुल्क के साथ खड़े हो जाए अब चूंकि ये परसों की बात थी अब कल वो मिले उनसे पाकिस्तानी ताजरों के साथ भी तो वहां इंतबाब के ऊपर बात हुई तो जो रिपोर्टेडली वहाँ से दो चार कॉरेस्पॉन्डेंट्स ने स्टोरी भी की मेरी एक आदे से बात भी उन्होंने कहा जी वहाँ उन्होंने ये कहा कि इंतबाब अपने वक्त पर होंगे दुरुस्त है देखें क्योंकि लोगों को तहफुज आता है ना बाहर बैठे लोगों को ये तो जनाब आर्मी चीफ के दौरे के खिलाफ जी तो हमारी जो हमें ये इस घर को आग लग गई घर के चला हमारी जो वहाँ पी के जो लोग हैं उन्होंने सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया जी 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 अब उसके बाद वो वो जो तनवीर अहमद साहब पाकिस्तानी बिजनेसमैन मैन है हाँ, सियालकोट के रहने वाले हाँ, हाँ, जो वहां गए थे होटल में काम कर रहे थे बह थे और पढ़ाई कर रहे थे और फिर अपना बिजनेस शुरू किया और कहाँ से कहां पहुंचे नौ डोनेशियन डॉलर जी 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 उन्होंने नस्ट को हाँ, तोहफे में दिए थे उन्होंने फिर ट्वीट किया उन्होंने कहा भाई वहां तो लाइन लगी हुई थी लोग चाहते थे सैकड़ों लोग ख्वाहिशमंद थे कि आर्मी चीफ जो है उनसे उनका जो रिसेप्शन है उसका कार्ड उनको मिले और वो फिर महदूद वहां सिटिंग सी, सत्तर या बहत्तर लोगों को कार्ड मिल सका वो उनसे मुलाकात कर सके उनका एक एक से उन्होंने हाथ बुलाया बातचीत की गुफ्तु की और बड़े मुतसर हुए यानी एक तो ये मुसीबत ये है कि हम आपस में अपने ही दर पे हो गए किसी और दुश्मन की जरूरत नहीं जरूरत नहीं है रेउफरा ने लिखा है ना कि एक गैर मुल्की आया पाकिस्तान में

की आज है। लेकिन मैं अर्ज कर रहा हूँ जो, जो मुख्तर लोग, लोग नरमी का सलूक करें।, तो तो अपने, अपने करें और अपने शहरी जो है वो भी को हदूद क्रॉस ना करें खासतौर पर जो अमरीका यूरोप में बैठे हुए

उससे मुबर है डुअल नेशनलिटी इजाजत नहीं है जब आप अमेरिका के शहरी बने या बर्तानिया के इंडियन शहरी नहीं रहे हमारे यहां तो डुअल नेशनलिटी की इजाजत है हर सियासी ने अपने और मजहबी जमात ने अपने दफ्तर खोल रखे हैं और वहां लोगों को आपस में लड़ाती है अच्छी बात नहीं है बढ़िया अब नतीजा देख का निकला है हम तकसीम हो रहे हैं बाहर बैरूने मुल्क भी एक दूसरे से लड़ रहे हैं और अंदरूने मुल्क भी लड़ रहे हैं तो भाई को खुदा कॉफी ले